अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के झूठे वाले बयान को लेकर कहा कि उनकी पार्टी के नेता उनको कहते हैं कि वे उद्योगपति हैं। कमलनाथ पहले अपने नेताओं से जवाब मांगे, फिर हम पर उंगली उठाएं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ और कांग्रेस कृषि बिल को लेकर झूठ फैलाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ हमें कहते हैं हम उनके उद्योगपति होने का झूठ फैला रहे हैं, लेकिन कमलनाथ के नेता खुद कह रहे हैं कि शिवराज नंगे भूखे परिवार का है और कमलनाथ दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। हमसे सवाल करने से पहले वे अपने नेताओं से सवाल करें। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर MSP और कृषि कानून को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, फिर ये क्यों किसानों को बहका रहे हैं? शिवराज ने कहा कि कमलनाथ की अब सरकार नहीं आने वाली है, वे भूल जाएं, क्योंकि जनता अब उन्हें जान गई है। कमलनाथ ने पिछले वादे नहीं निभाए और अब नए वादे जनता से कर रहे हैं। सच तो यह कि झूठ कमलनाथ बोल रहे हैं। पहली बात तो उनकी सरकार कभी आनी नहीं, पहले जो वचन पत्र था उसमें से कोई वचन पूरा नहीं किया, अब नए वचन देने लगे, ना नोमन तेल होगा ना राधा ना चीनी, सरकार तो आनी नहीं कुछ भी कह दो, लेकिन झूठ ही बोल रहे हैं वो कि मंडियां बंद हो जाएंगी, MSP खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है, मैं कह रहा हूं कोई मंडी खत्म नहीं होगी, MSP समाप्त नहीं होगी, MSP भी जारी रहेगी। कृषि कानूनों का अंधा विरोध कर रहे हैं। अरे कोई कानून बनाना था तो जब 15 महीने सरकार में रहे तब क्यों नहीं बनाया? अरे हाथ में कुछ नहीं तो कानून बनाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी, किसान आपकी सच्चाई जान चुके हैं, कोई भ्रमित नहीं होगा। कल श्री कमलनाथ जी ने मुझे झूठा कहा और कहा कि मैं उनको उद्योगपति कह रहा हूं और मैं देश भर में उनका कोई उद्योग है तो बताऊं। मैं श्री कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, ये सवाल पहले अपनी पार्टी से पूछिए। आपकी पार्टी के नेताओं ने मुझे नंगा भूखा कहा और आपको देश के 2 नंबर का उद्योगपति कहा। अगर सवाल उठाने हैं तो पहले अपनी पार्टी में अपने नेताओं पर उठाइए, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मेरी तरफ उंगली उठाने के पहले अपनी पार्टी को देखें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।